हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन। सो आज की वीडियो में हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। सो जो पहला क्वेश्चन है वो है, इन अ क्लिनिक डिप्थीरिया वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड एट, एंड ऑप्शंस आर फ्रीजर एट -1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर टू इज आइसलाइन रेफ्रिजरेटर एट -1 to 1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर थ्री इज इन रेफ्रिजरेटर एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, एंड ऑप्शन नंबर फोर इज इन रेफ्रिजरेटर एट 6 to 12 डिग्री सेल्सियस। जो तो जो हमारा डिप्थीरिया वैक्सीन है, इट इज अ कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन। अगर हम इसको ज्यादा कोल्ड में रखेंगे, जब फ्रीज करेंगे तो ये खराब हो जाएगा, तो इसीलिए हमने इसको आइसलाइन रेफ्रिजरेटर में रखना है बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए दैट इज 2 to 8, इसको कभी भी फ्रीज नहीं करना है, क्योंकि अगर फ्रीज करेंगे तो अगर एक बार ये फ्रीज हो गया तो ये खराब हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द सोर्स ऑफ डिप्थेरिया एंटी टॉक्सिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिप्थेरिया, पिग, बोवाइन, हॉर्स और ह्यूमन। सो जो सोर्स है दैट इज हॉर्स, सो ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन मीजल्स कॉप्लिक स्पोर्स आर सीन इन प्रोडर्मल पीरियड, कन्वर्जन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड और इरप्टिव पीरियड। सो जो कॉप्लिक स्पॉट है वो प्रोडर्मल पीरियड में देखने को मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ HIV फ्रॉम इन्फेक्टेड प्रेगनेंट मदर टू न्यूबॉर्न, लैमिविडिन, नेविरापिन, एफाविरेंस और जीरोविडिन। तो हम कौन सी मेडिसिन मदर को देते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV फ्रॉम मदर टू द बेबी, दैट इज नेविरापिन। सो ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द टाइप ऑफ कैंसर अफेक्ट बोन्स, लिगामेंट एंड मसल्स, सार्कोमास, ल्यूकेमिया, लिम्फोमास और कार्सिनोमा। सो जो बोन्स को, लिगामेंट्स को और मसल्स को अफेक्ट करता है, उस कैंसर को हम बोलते हैं सार्कोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज मोस्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ पेशेंट विद कैंसर ऑफ द लंग, एयर हंगर, एक्सर्शनल डिस्निया, कफ विद नाइट स्वेट्स एंड परसिस्टेंट चेंजिंग कफ। सो जो पेशेंट होगा कैंसर विद लंग, उनमें हमें कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा, दैट इज कफ विद नाइट स्वेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेटमेंट अबाउट डायबिटीज मेलाइटस इज फॉल्स, टाइप 1 डायबिटीज इज ट्रीटेड प्राइमरली विद एक्सरसाइज एंड मील टाइम, टाइप 2 डायबिटीज कॉमनली अकर इन अडल्ट एज 40, एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एडोलेसेंट आर बीइंग डायग्नोस्ड विद टाइप 2 डायबिटीज, एंड टाइप 1 डायबिटीज यूजुअली अकर बिफोर द एज ऑफ 30। सो इसमें जो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है वो है कि जो टाइप 1 डायबिटीज है इज ट्रीटेड विद प्राइमरली विद एक्सरसाइज एंड मील प्लानिंग। हमारी जो डायबिटीज होती है टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 1 डायबिटीज हमारी जुवेनाइल डायबिटीज है या अर्ली ऑनसेट डायबिटीज है, और जो हमारी टाइप 2 डायबिटीज है दैट इज लेट ऑनसेट डायबिटीज है या अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज है। सो टाइप 1 डायबिटीज में ड्यू टू द प्रॉब्लम इन द पेनक्रियाज, पेनक्रियाज इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, तो उसकी वजह से बच्चों को हाइपरग्लाइसीमिया होता है। सो एक्सरसाइज और मील टाइम से ये ठीक नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्यूबरक्लोसिस सर्विलेंस सिस्टम कॉल्ड डैश फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एंड दैट इज निक्षे, सुमन, मुस्कान और RNTCP। सो RNTCP इट इज अ प्रोग्राम दैट इज डीलिंग विद ट्यूबरक्लोसिस। देन निक्षे जो है उसको हम बोलते हैं, मीन्स निक्षे इज द सर्विलेंस प्रोग्राम, इट इज अ वेब बेस्ड सर्विलेंस प्रोग्राम दैट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014। तो जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं जो कि ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव हैं, तो उनको हम निक्षे जो वेब ऐप है उसमें उनका नाम वगैरह लिखते हैं, उसमें हम मॉनिटर करते हैं कि पेशेंट ने का फर्स्ट फेज इंटेंसिव फेज कब था, सेकेंड इंटेंसिव फेज कब था, तो ये सब हम उसमें देखते हैं। नेक्स्ट इज, लो हाइट फॉर एज इज नोन एज डैश, एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉनिक और रिकरेंट अंडर न्यूट्रिशन, वेस्टिंग, स्टंटिंग, अंडरवेट और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन।
बच्चे की जो हाइट है वो एज के अकॉर्डिंग छोटी है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टंटिंग। वेस्टिंग है कि बच्चे का जो हाइट है वो हाइट और जो वेट है दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। जो बच्चा है बहुत ही लंबा है और बहुत ही पतला है उसको हम वेस्टेड बोलते हैं, और अंडरवेट हम तब बोलते हैं जब बच्चे का जो वेट है अकॉर्डिंग टू एज कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ योर बॉडी मास इंडेक्स इज लेस देन 18.5, इट फॉल्स विद इन द डैश रेंज, अंडरवेट, हेल्दी वेट, ओवरवेट और ओबिसिटी। सो इट इज अंडरवेट। सो बेसिकली बीएमआई हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। एंड इसकी कुछ क्लासिफिकेशंस होती हैं, लाइक इफ द बीएमआई इज लेस देन 18.5 इट इज अंडरवेट, इफ इट इज बिटवीन 18.5 टू 24.9 इट इज नॉर्मल, इफ इट इज मोर देन इफ इट इज बिटवीन 25 टू 29.9 इट इज ओवरवेट, एंड इफ इट इज मोर देन और इक्वल्स टू 30 इट इज ओबीज। ओबीज के भी आगे ओबीज वन, ओबीज टू एंड ओबीज थ्री करके क्लासिफिकेशन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डायबिटीज मेलाइटस इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीजेस कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया रिजल्टिंग फ्रॉम इंसुलिन सिक्रीशन, इंसुलिन डेफिशिएंसी, इंसुलिन एक्सेस और ईटिंग एक्सेस शुगर। सो जो डायबिटीज मेलाइटस है दैट इज कैरेक्टराइज बाय हाइपरग्लाइसीमिया, इट इज ड्यू टू द इंसुलिन डेफिशिएंसी, क्योंकि जो इंसुलिन है वो प्रॉपर नहीं बॉडी में बन रहा है, मेनली इन टाइप वन और टाइप टू में बन रहा है प्रॉपर, लेकिन जो हमारे सेल्स हैं वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं, वो इंसुलिन को ले नहीं पा रहे, तो उसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है। और नेक्स्ट इज, ऑपरेशन डैश इज अ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्रोजेक्ट टू लोकेट एंड रिहैबिलिटेट मिसिंग चिल्ड्रन, एंड द ऑप्शंस आर निक्षे, सुमन, मुस्कान और आरबीएस के। सो जो हमारा ऑपरेशन मुस्कान है उसका क्या मेन मोटिव है कि जितने भी बच्चे हैं जो मिसिंग है उनको लोकेट करके रिहैबिलिटेट करना है। और नेक्स्ट इज, यूज ऑफ ग्लव्स, मास्क एंड गाउन फॉर प्रोवाइडिंग केयर फॉर ऑल पेशेंट्स टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन फ्रॉम ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड एज एयरबोन प्रिकॉशन, बैरियर प्रोटेक्शन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन और कॉन्टेक्ट प्रोटेक्शन। सो ये जो हमारा है ग्लव्स, मास्क एंड गाउन, ये हमारा बैरियर प्रोटेक्शन में आता है। सो ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू ऑब्टेन कंसेंट फॉर सर्जरी फ्रॉम पेशेंट द नर्स शुड इनिशियली एक्सप्लेन द रिस्क इन्वॉल्व इन सर्जरी, एक्सप्लेन दैट ऑब्टेनिंग कंसेंट इज रूटीन फॉर ऑल सर्जरी, इवेल्युएट वेदर द पेशेंट्स नॉलेज इज सफिशियंट टू गिव कंसेंट एंड टू ट्राई टू फाइंड आउट अ विटनेस फॉर कंसेंट। सो जब भी हमने किसी भी पेशेंट से कंसेंट लेना है तो उससे पहले हमने क्या चीज देखनी है, दैट शुड बी द इवेल्युएट वेदर द पेशेंट्स नॉलेज इज सफिशियंट टू गिव कंसेंट और नॉट। सो ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ सिंगल रेस्क्यू सीपीआर फॉर अ चाइल्ड ऑफ 12 इयर्स ऑफ एज द कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो शुड बी 15:2, 30:2, 10:2 और 3:1। सो द कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो शुड बी 30:2, मतलब 30 कंप्रेशन के बाद 2 वेंटिलेशन देनी है। और नेक्स्ट इज, अ पेशेंट कम्स टू द इमरजेंसी अनकॉन्शियस, द डॉक्टर प्लान्स टू इंट्यूबेट एंड स्टार्ट मैकेनिकल वेंटिलेशन फॉर द पेशेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द गिवन फर्स्ट वाइल इंट्यूबेटिंग, ईटी ट्यूब, लेरेंजोस्कोप, एट्रोपिन और स्टिलेट। सो वाइल इंट्यूबेटिंग सबसे पहले क्या देना है, लेरेंजोस्कोप टू विजुअलाइज द लेरेंग्स। नाउ द नेक्स्ट इज, इन्फ्लामेशन एंड रेडिश डिस्कलरेशन ऑफ इंट्रावीनस कैनूला इंडिकेट्स इन्फिल्ट्रेशन, आईवी लाइन इन सीटू, सब लुक्सेशन एंड इनडवेलिंग। सो रेडनेस है एंड इन्फ्लामेशन है दैट सजेस्ट इनफिल्ट्रेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ प्रीटर्म न्यू बॉर्न इन्फेंट इज बीइंग मॉनिटर्ड फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बाय अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, विच असेसमेंट सिम्टम्स वुड अलर्ट द नर्स टू द लाइक्लीहुड ऑफ दिस सिंड्रोम इफ दे वर ऑब्जर्व। सो इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी सिंड्रोम प्रीटर्म बेबीज में इनमें से कौन सी चीज है जो प्रेजेंट होगी, टैकीएपनिया एंड रिट्रैक्शन, प्रेजेंस ऑफ बैरल चेस्ट, हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया, एक्रोसाइनोसिस एंड ग्रंटिंग।
सो इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम मेनली इन द प्रीटर्म न्यू बोर्न टैकीएपनिया एंड ब्रीथ ट्रैक्शन विल बी प्रेजेंट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर ऑफ अ न्यू बोर्न इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 30 to 32 degrees centigrade, 32.5 to 34 degrees centigrade, 36.6 to 37.4 degrees centigrade, and 40 to 42 degrees centigrade. So it should be 36.6 to 37.4 degrees centigrade. Now the next question is: you are assigned with blood pressure monitoring of patient in your ward. Which of the following patient is not contraindicated for applying cuff for BP monitoring on right arm? So patient with intravenous line on the right hand, patient underwent right mastectomy, patient has arteriovenous fistula on right arm, and patient with saturation probe connected on right thumb. So इनमें से patient with saturation probe connected on right thumb जो है इनका हम BP ले सकते हैं right side से, but इसके अलावा ये IV line है, अगर mastectomy हुई है और AV fistula है तो उस side से हमने BP नहीं लेना है. Now the next question is dash is a fibrous connective tissue that attach muscles to bone, ligament, cartilage, tendons or collagen. So muscle to bone ko kon attach karta hai? Tendons. So option number 3 is the right answer. Now the next question is which of the following part of human brain has a center for controlling breathing as well as the sleep wake cycle? Medulla oblongata, cerebrum, cerebellum or none of these. So जो हमारा वाइटल सेंटर है जिसमें हमारा रेस्पिरेशन एंड बीपी एंड हार्ट रेट जो है कंट्रोल होता है और साथ में स्लीप वेक साइकिल, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगाटा. नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड निमोनिया डे? सितंबर 12, अक्टूबर 12, नवंबर 12 और दिसंबर 12. तो वर्ल्ड निमोनिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर 12. नाउ द नेक्स्ट इज most of us use dash in addition to words when we speak includes words and gesture, gesture and body language and posture, position and eye gazing. So जब भी हम speak करते हैं, verbal communicate करते हैं तो हम non-verbal communication भी use करते हैं, तो जिसमें हमारा gesture and body language आएगा. Now the next question is the unclarified assumptions in communication can lead to dash and dash. So अगर हमारा जो communication है अगर वो unclarified है तो जिस person को हम communicate कर रहे हैं उसमें क्या होगा? There will be confusion and misunderstanding. So option number 4 is the right answer. इसीलिए हमेशा हम communication में feedback रखते हैं ताकि हमें पता लगे कि जो हम बताना चाहते थे वो हमारे रिसीवर तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा. नाउ द नेक्स्ट इज डैश कम्युनिकेशन इज अ ब्रांच ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट रेफर टू द वेज इन विच पीपल एंड एनिमल कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट वाया द सेंस ऑफ टच. सो जो हमारा सेंस ऑफ टच है उसके लिए हम हैप्टिक्स यूज करते हैं, तो हैप्टिक्स इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट इज ऑल आर फिजिकल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एक्सेप्ट and the answer question options are noise, attention, climate or faulty devices. So attention जो है वो हमारा physical barrier नहीं है, it is a psychological barrier. Noise, climate or faulty devices are come under physical barrier. Now the next is when communication enhances the interaction of learner, it is physiological, psychological, artistic or transient. So जब हमारे there is the interaction of the learner that is known as psychological. Now the next is a 15 year old child is diagnosed as chronic pyelonephritis. Which of the following condition can develop secondary to the disease condition? Blindness, deafness, hypertension or congenital heart disease. So pyelonephritis is related to kidney. So agar kidney ki problem ho rahi hai, it will leads to hypertension. Now which of the following is administered as supplement by adolescent health program? Calcium, albendazole, iron and folic acid and zinc tablet. So supplement jo hai wo hum iron and folic acid tablet dete hain under weekly iron folic acid supplementation program. Now the next question is
अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस द टारगेट बेनिफिशरीज आर एक्सेप्ट चाइल्ड बिलो 6 ईयर्स प्रेगनेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 44 ईयर्स एंड बोथ एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज. सो बोथ एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज आर नॉट द पार्ट ऑफ आईसीडीएस ओनली एडोलेसेंट गर्ल्स आर द पार्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम और प्रोग्राम कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सेप्ट एंड द ऑप्शन आर उज्ज्वल अनिमिया मुक्त भारत ICDS और पोषण अभियान. सो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ के अंडर नहीं आती है दैट इज अनिमिया मुक्त भारत. इसके अलावा उज्ज्वल इंटीग्रेटेड ICDS और पोषण अभियान आता पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. उज्ज्वल स्कीम इज रिलेटेड टू LPG गैस सिलेंडर प्रोविजन. नेक्स्ट इज अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान सेफ मदरहुड इनिशिएटिव फोकस ऑन वुमेन इन विच ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी. सो दैट द करेक्ट आंसर इज सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग योजना एम्फेसाइज ऑन सेटिंग अप न्यू इंस्टीट्यूट्स लाइक एम्स एंड अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट एंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना भारतीय जन औषधि योजना और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना. सो प्रधानमंत्री मातृत्व सॉरी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना इज द करेक्ट आंसर.